गांव की जारी से मैं दिल्ली साथ हंसी आती है जिनके कला पर अदाकारी पर वो है बहुत सारे वर्ण ताली होगा एंटरटेन के लिए आ जाए और हमारी हीरोइन और प्रियंशा दुबे, प्रियंशा जी दुबे तशरीफ ला चुकी है, उनके लिए भी फाइन बाई प्रोड्यूसर और एक्टर इस फिल्म के चलना था प्लीज। ये एंटायर टीम यहाँ पर आ चुकी है, हम जिसका इंतजार कर रहे थे घड़ियां खत्म हुई और आप सामने सोफिया और हमारे रजा खुर्शीद आपके लिए दूधा का विजय। ये मेन किरदार पहले ट्रेलर लॉन्च कर लेंगे हम लोग, उसके बाद कि उसकी शादी किसी हीरोइन जैसी लड़की से हो। क्या हुआ भाई तू? आशिक होगी अगर एक घंटे में तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ ये झूले में बैठ के झूला नहीं झूली तो मेरा नाम भी सरिंदर। यहाँ तक आ गए तुम? मैं तुम्हारे वास्ते कहीं तक भी जा सकता हूँ। जिस दिन से मैं तुम्हारे को देखा तुम मेरे को पसंद आ गए और मैं भला शादी करूँगा तो सिर्फ तुम्हारे से करूँगा। हर कहानी बड़ी बनती है एक जबरदस्त ट्विस्ट से, और इस कहानी का ट्विस्ट ये रहा। सलीम मैं शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? नहीं। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे से क्या दुनिया के किसी लड़के से शादी नहीं कर क्यों बोली? अरे ये अमेरिका में चलता था, यहाँ पे भी शुरू हो गया। भाभी को छोड़ दो भाई, इसकी अम्मा को पकड़ लो भाई। भाई खाली मेरे को मार दे, इसको ना मार दे। तूने पहले से ही मारता है भाई। आजकल गली गली पहलवाना हो गए रे, अब तो ये हो गई आम आदमी कम पहलवाना ज्यादा हो गए। अरे वो ये सीट के बाल फिर मेरे घर को भिजवाया था रे। आपको आपके उजड़े हुए चमन की खसमा सब इसको हमारे अम्मी भी ले। अब आपको जो निकालना है निकाल लो और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लुक दे देगा भाई माशाल्लाह। बहुत ही शानदार पैमाने पर हमारे तमाम कलाकारों की जानिब से मैं जहीर भाई को देख के मैं हाँ कर दिया आपने के लिए। दो दिसंबर तो बोल रहे हैं। जहीर भाई के डायरेक्शन में आपको कैसा लगा काम? जहीर भाई के डायरेक्शन में वो तो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं जहीर भाई। जहीर भाई को काफ़ी सालों पहले मिल जाना चाहिए था फिल्मों में डायरेक्शन का काम, मगर वो नहीं मिल सका। देर आमद दुरुस्त आमद बोलते हैं, अभी करें ये। मगर इनको अगर जिस हिसाब से फिल्म बनने की टेक्निकल चीज़ें मुहैया करा दे तो बहुत वेरी गुड डायरेक्टर। इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, नॉट ओनली अ वेरी गुड डायरेक्टर, इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और शूटिंग पे बहुत कूल रहते हैं। और नेक्स्ट कब आने वाली है? सब आपके साथ पहली बार ये फिल्म थी भाई, फिर करना भाई आप लोगों को प्रोमो कहता थी का प्रोमो तो बस फिल्म में मस्त है। सलीम भाई एक छोटा सा डायलॉग बोल दीजिए आप लोग प्रोमो में। एक डायलॉग मार दीजिए भाई, चमन का लाभ कहां है? इंस्पेक्टर का उजड़ा चमन का कोई देख लिया ना ट्रेलर में? ऐसा नहीं होता इस्माइल भाई, पूरी प्लानिंग करना पड़ता है। आप फहीम भाई और आपका पहला सी माय एक्सपीरियंस विद ऑल द प्रोड्यूसर्स इज वन इन द सेम बिकॉज आई ऑलवेज यू नो आई एम सो पंक्चुअल दैट आई केम हियर ऑन टाइम देन आई वेंट बैक देन आई केम अगेन। तो टाइम की पाबंदी है, शायद हमारे जैसे लोग ऐसी जगहों पे ज्यादा नहीं चलते, वजह यह है कि हम पंक्चुअल हैं। तो जहाँ पे काफी सारे लोग पंक्चुअल नहीं रहते वहाँ पे पंक्चुअल आदमी नहीं चलता, जहाँ पे सब पंक्चुअल रहते वहाँ पे अनपंक्चुअल आदमी नहीं चलता। तो मेरा एक्सपीरियंस तो हर प्रोड्यूसर के साथ अच्छा रहा, मैं हमेशा उनको दी बेस्ट देता हूँ मेरी पहली फिल्म से लेके आज तक। सर आप एक सीनियर है और साथ में फर्स्ट टाइम फहीम भाई आपके साथ काम किए तो कैसा लगा? मेरे साथ कोई भी मेरी कोई भी फिल्म की आप सीन उठा के देख लो आप, जो आर्टिस्ट चाहे एक ही सीन करने दो, एक ही सीन करने दो। मैं बोलता हूँ भाई रिलैक्स हो जाओ, आप कुछ भी से छोटे कैरेक्टर को आप उठा के देख लो और वही कैरेक्टर दूसरे फिल्म में करे हुए उसमें देख लो, आप फर्क दिखेगा। क्यों बोले तो मैं काम उनसे कराता हूँ, मैं बोलता हूँ टीम वर्क है ये।
सबको मिलकर करना है। सलीम भाई, हम हैदराबाद नवाब से साथ में हैं, हमारी इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर रहे हैं मिलजुल के। तबर आप देखो, आप किसी आइन की पाबंद नहीं, देन उसकी देते हैं तो खताओं पे दिया करते हैं, और देते हैं तो बेहिसाब दिया करते हैं। एक डायलॉग आज तक चल रहा, और कब तक, जब तक चलना है चलेंगा वो, तबर का एक डायलॉग और तबर का करियर बना दिया। तो आप डेडिकेटेड है, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। लोग बोलते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिलता आपको, मेहनत करते रहो। तो थैंक यू सो मच, और टू ऑल द हैदराबादी पीपल एंड टू एवरी वन, आज तक पहले आए सबका शुक्रगुजार हूँ, और हमारे तबर भाई टाइम निकाले, और सलीम भाई, प्रियंशा, पूरों का शुक्रगुजार हूँ मैं। हम लोग एक कोशिश करें, इंशाल्लाह आप आगे ऑडियंस दे देंगे। नहीं अभी आप शुरू कर रहे हैं फहीम भाई, हाँ करें पहली फिल्म शहर के पूरे थिएटरों में, क्या उम्मीद है आपको? मेरे को बहुत मजा आया फिल्म में काम करने का, और जैसा सलीम भाई बोले वीक आर्टिस्ट रहते, तो मैं भी कुछ बना सलीम भाई के साथ में काम करके। भाई शहर के पूरे थिएटरों में रिलीज है इंशाल्लाह। 50-50 कैसा दिमाग में आया? आया दिमाग में टाइटल 50-50 रहेंगे, बोल गया ट्राई करें तो आ गया, रजिस्ट्रेशन होगा। कोई नाम रखे, आधे पैसे दिए थे, आधे ने पूरे दे रहे थे लोगों को, पूरे पैसे दिए। इंशाल्लाह 50 कॉमेडी है फिल्म में, इतनी कॉमेडी है इंशाल्लाह। आइए आप लोग आकर देखिए। सुने बोला पूरों को पेमेंट 50 दिए थे, तो ना फोन कर रहे थे भाई 50% कब देते, बता। आप बोले 50-50 भाई, बोले टाइटल बन गया सलीम भाई जो हो रहे मजाक करो। उम्मीदें क्या है पहली फिल्म के हिसाब से? फहीम की एक्टिंग बहुत अच्छी। आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये फिल्म? लोग एक कोशिश करें, अच्छी बनी फिल्म, हमारी एक उम्मीद है हैदराबाद की आवाम से कि देखेंगे, थिएटर तक आएंगी आवाम। आवाम के लिए रिक्वेस्ट, फैमिली को आने के लिए आपकी तरफ? अच्छी है कॉमेडी मूवी है, आइए मेरी तरफ से बिल्कुल आ सकते हैं। अभी बड़ा बड़ा 50-50 आया है, क्या है प्लान दूसरा कुछ? सेकंड सलीम भाई टाइम दिए तो बराबर, जरूर तबर भाई टाइम देंगे तो बराबर। जब तक तबर भाई और सलीम भाई नहीं रहेंगे, मैं कभी कोई फिल्म नहीं करूंगा। नेक्स्ट करा तो भी तबर भाई सलीम भाई के साथ में ही करूंगा इंशाल्लाह। और सलीम भाई का शुक्र गुजार हूँ मैं, सलीम भाई के लिए कितना भी बोलो कम है। और हमारे जहीर भाई, सबसे ज्यादा मेहनत हमारे जहीर भाई की, हमारे डायरेक्टर साहब की है, प्रियंशा की है, तकरीबन स्क्रिप्ट में लिखना करना एवरीथिंग, तकरीबन हर वो काम जहीर भाई करे हुए। कैसा लगा आपको उनके डायरेक्शन में काम करते हुए? बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज एक ट्रेलर लॉन्च हुआ जो 50-50 है मूवी का नाम, और मैं ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं बल्कि बहुत फनी है, और बहुत सारे चीज़ें उसमें मिक्स है, जैसे कि कॉमेडी है, थोड़ा सस्पेंस है, और इसमें पहली बार फहीम भाई काम किए माशाल्लाह, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं फहीम भाई, जो आज मेरी मौजूदगी आप लोगों के सामने यहाँ दिखी, वो सलीम भाई और फहीम भाई की वजह है। और जो डायरेक्टर जहीर भाई है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह, मैं उनका काम देखे हुआ हूँ। और रही बात परीक्षा जी के साथ भी काफ़ी काम किए, वो भी बहुत अच्छी एक्टर्स है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए 50-50 आधा आधा बांट लेने का रहता वो, और उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है बिटारिया 50-50 कैसा रहता भाई, आधा दियो बोलते, बिस्किट खाते हुए हाथ चल जाता ज़रा दीजिए ना 50-50, वो लास्ट बिस्किट एक ही था उसका बच्चे वहाँ, तो उन्हें आधा आधा करा, जब वहाँ से नाम पड़ गया 50-50। तो ये फिल्म का जो नाम है, पहली बार तो नाम ही यूनिक है। आप देखिए, आप हैदराबाद में इतने फिल्में हैं, वो पट्टे ये पट्टे, इन्हें निकल गया उन्हें निकल गया, इसको डाल लो, आखिरी फिल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत मेहनत किए, अच्छे अच्छे फिल्में दिए, और इस वक्त ये जो लाल टी शर्ट पे आदमी है, ये झंडा गार्डेस वाले लोग हैं, ये फाउंडर है, और यही है फाउंडर जो हम लोग आज चल रहे हैं, ये हमारे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। और मैं ज़्यादा कुछ बोले तो क्या होता मालूम, अरे भाई बाजू बैठ के तारीफ़ कर रहे बोलते, और हम फैक्ट बोलने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेते हुए, मीडिया हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी इंडस्ट्री के लिए, ये जितनी मीडिया यहाँ मौजूद है उनका हम एहसानमंद हमेशा इसलिए रहेंगे कि वो कौन सी भी रहें दो, छोटी सी छोटी चीज़ रहें दो, बड़ी सी बड़ी चीज़ रहें दो, मगर मीडिया वाला तो आ जाएगा सब, भाई क्या है आपकी परेशानी, बोलिए कैसा रिलीज़ करना चाह रहे हैं आप, सब बात की बात है, मगर इमीडिएट पूछ लेते हैं। फिल्म को यशराज तक चली जाती फिल्म, अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया है, मीडिया आसमान पे ले आ सकती है, ज़मीन पे भी ला सकती है, मगर हमारी मीडिया जो है ये आसमान पे लेकर जा रही है हमेशा। तो मैं मीडिया वालों का शुक्र अदा कर रहा हूँ, और जहीर भाई को बहुत बहुत मुबारक। और इस फिल्म में जितने आर्टिस्ट काम करें, जैसे कि हमारे अरशद नवाब साहब है, हमारे खदीर भाई है, हमारे बहुत सारे रहीम भाई मेरे बड़े भाई है, रज़ा कुरैशी साहब, और यहाँ पर मैं एक जनों को मिस कर रहा हूँ, जो जोरों शोरों से मिस कर रहा हूँ, जो पोस्टर में मैं उनकी फ़ोटो देखा है, आई मिस यू,
के जरिए से मेरे को आज जो लोग देख रहे हैं, देखिए अभी सलीम भाई बोले कि भाई के बारे में मैं समझता हूँ अंग्रेज से लेके अब तक। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं पूरी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमारी मूवी के प्रमोशन के लिए और ट्रेलर लॉन्च के लिए आए हुए हैं, और काफ़ी टाइम तक आप लोगों ने हमारा वेट किया, तो वेरी वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने मेरी पहले की मूवीज़ भी देखी हुई हैं, काफ़ी अच्छी रही हैं, बट इस मूवी से मुझे अलग उम्मीद है, बिकॉज हमारे साथ में नामी एक्टर जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी सलीम सर, उनके साथ में मेरा कॉम्बिनेशन आ रहा है एंड बहुत अच्छी मूवी बनी है। 50-50 जैसे आप इसका एक जो टाइटल है 50-50, तो उससे पता पड़ता है कि इसमें क्या 50 है क्या 50 नहीं है, एंड वो तराजू वाला सीन भी आप लोग देख ही रहे हैं कि 50-50, तो काफ़ी अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। एंड मैं पूरी टीम को, कास्ट को, फ़हीम जी को एंड रजाक जी को, अरशद नवाब जी को, हमारे डायरेक्टर जही जी को, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। आफ्टर लॉकडाउन भी, इतना प्रॉब्लम के बाद भी हम लोग हमारी मूवी को थिएटर्स में रिलीज़ कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड गिव अ बिग हैंड्स फॉर देम एंड थैंक यू सो मच। एंड थिंकिंग हाँ, एंड मूवी की जो रिलीजिंग है वो 2 दिसंबर को है, तो आप लोग थिएटर्स में जाके देखना ना भूलें। प्लीज़ अप्रिशिएट टू गो इन थिएटर, थिएटर्स में जाके मूवी देखना अप्रिशिएट कीजिए, जैसे हमारे हैदराबादी कल्चर को थोड़ा और आगे बढ़ावा मिले, और जो हमारी हैदराबाद मूवीज थोड़ा टाइम से रुक गई हैं, तो इससे और अच्छा एक नया मूवीज़ में थिएटर्स में जाके देखने का एक कल्चर फिर से स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच तबर जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे आके हमारे प्रमोशन में, ट्रेलर में लिटरली। एंड लीम सर की बोलूँगी कि जब हम लोग शूट कर रहे थे तो इट्स मेरी तीनों मूवीज साथ साथ चल रही थी, माँ का लाडला, रोमी द हीरो, 50-50 की शूटिंग सबकी एक साथ चल रही थी, बट जब मैं सेट पे 50-50 के आती थी तो आई वॉज लाइक थिएटर्स में जाएंगे तब भी देखेंगे, और हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, और कितनी तारीफ करना, बहुत अच्छा काम किया है।